अर्ली सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम यही पेशेंट लेकर आएगा कि जी मैं भारी वजन का सामान उठाता हूँ, कोई काम करता हूँ, खांसता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सूजन हो जाती है। मेल्स में मोस्टली ग्रॉइन में, फीमेल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी नाभि के पास जिसको हम लिकल हर्निया ही बोलते हैं, या कोई ऐसे हैं जो कि ओबीज हैं जिनके तो वेट ज़्यादा है, उनके पेट में कोई दीवार कमजोर होती है तो उनके में कहीं भी हर्निया हो सकता है। ठीक है, कुछ रेयर हर्नियाज होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एज ए मास बात कर रहे हैं तो हम पेट के हर्निया के बारे में बातें करेंगे। नाभि हो गया, अम्बिलिकल हर्निया, ग्रॉइन हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, उसके अलावा पैराम्बिलिकल है, गैस्ट्रिक हर्निया, बहुत तरह के हर्निया है, लेकिन हम लोग अभी गैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, तो नाभि का ग्रॉइन हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया की बात करेंगे। ठीक है, जी अनुष्का शांदिले का मैसेज है कि हर्निया के क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनका ये सवाल है कि सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। हाँ अनुष्का जी, गुड इवनिंग, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल मासेस को यही पूछना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम, पेशेंट को स्वेलिंग होगी, जिसको कि हम लोग रिड्यूसिबल स्वेलिंग बोलते हैं, कि पेशेंट खड़ा हो रहा है, चल रहा है, कफ कर रहा है, तो सूजन बढ़ जाती है, और जब लेटता है तो सूजन अंदर चली जाती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम। इसके साथ पेशेंट को पेन हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट, हल्का पेन हो रहा है, चुभने वाला, भारीपन महसूस होता है, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। साथ में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पेशेंट को हो सकता है कि ऑन गोइंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो, कि प्रोस्टेट की शिकायत हो, छाती में इन्फेक्शन वगैरह हो लंबे समय का, छोटे मोटे इन्फेक्शन से नहीं कुछ होता है, और या तो कफ जो लंबे समय से, इनसे हर्निया के चांसेस हाई रहते हैं। एक चीज और, अगर मान लीजिए पहले मरीज को कोई ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है, पेट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है, या बच्चे के लिए सर्जरी हो रखा है, या गॉल ब्लैडर के लिए चीरे वाला ऑपरेशन हो रखा है, तो उनमें टांकों के पास से कितनी बार हर्निया के चांसेस भी हो जाते हैं, उनको इंसिजल हर्निया बोलते हैं, जहाँ प्रीवियस इंसिजन साइट था वहां से हर्निया होता है, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और उसको ऑन इमरजेंट बेसिस टैकल करने की जरूरत होती है। उम्मीद है जी अनुष्का जी आपकी डाउट्स क्लियर हुए। जी इनका एक और यही सवाल है कि कैसे हो जाती है बीमारी। इस बीमारी का कारण, कुछ चीजों का रीजन ये होता है कि इडियोपैथिक, की कारण कुछ नहीं है, दो तीन कारण जो मैंने आपको बताई, प्रोस्टेट की शिकायत, खांसी की, कब्ज की। इसके अलावा अगर आपके एब्डोमिनल वॉल की टोन कम है, कमजोर है, अगर आपके एब्डोमिनल वॉल टोन कमजोर है, तो जिनका मसल स्ट्रेंथ अच्छा है, जैसे कि एक्सरसाइज वाले लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, उनका टोन अच्छा होता है, तो उनमें हर्निया के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ, अचानक आपने बहुत वेट बेयरिंग कर लिया, बहुत भारी वजन उठा लिया, तो उसमें हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो दीवार कमजोर है आपकी, ठीक है ना, वजन ज्यादा है, ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर है तो उसमें ये हर्निया हो जाती है। ठीक है, जी अब शॉर्ट अगर आउट हमारे हम इधर। जी रतन सेन भारती का सवाल है कि हाँ, जिम जो से इस ये बहुत बीमारी अच्छा को बचा सवाल है। जाए। हाँ हाँ, आजकल के यंग जनरेशन लोग जिम, ये भी यंग जनरेशन सब जिम जाना बहुत प्रेफर करते हैं, अच्छा भी है, लेकिन जिम में आपको प्रॉपर स्क्वाटल सपोर्ट बोलते हैं हमें, स्क्वाटल सपोर्ट की आपको जो जो प्रीडिस्पोज साइट है हर्निया के, जो जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं इंग्वाइनल हर्निया, उन पे स्क्वाटल सपोर्ट पहन के वजन उठाएं। आप जॉगिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे आप अपने आप को हैंग कर रहे हैं, उस टाइप में उन एक्सरसाइज में कोई हर्निया चांस नहीं है। आप हैवी वेट बेयरिंग कर रहे हैं, वजन ज्यादा भारी उठा रहे हैं, उनमें आपका प्रेशर बढ़ेगा पेट का और उसमें हर्निया चांस बढ़ जाते हैं, तो उनमें प्रॉपर स्क्वाटल सपोर्ट की एडवाइस दी जाती है, उसके बाद आप जिम करें। जिम करने से कोई हर्निया नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे, असावधानी से करेंगे, तब हर्निया होने के चांसेस हाई हो जाते हैं जिम करने से भी। लेकिन जिम में आप कार्डियो कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बॉल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे नहीं होगा। हाँ, वेट बेयरिंग है, जहाँ प्रेशर आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, पेट के एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको हर्निया होने के चांसेस हाई रहे।